सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम आ गए फिर से एक न्यू वीडियो लेके, और आज है हमारे साथ ओला एस वन प्रो। ब्रांड न्यू नहीं है, 4 महीने पुरानी है, बट अपने घर की है। तो पहले ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बीरोल देख लो जो हमने बहुत प्यार से लिए है, तो बीरोल इंजॉय करो पहले। तो आपको क्या लगता है, 2023 में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलो आपको पहले हम थोड़ी फीचर्स बता देते हैं, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना लेना चाहिए कि नहीं। फीचर्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हर इंडियन के दिमाग में यही होता है कि ये कितना देती है, इट मीन्स माइलेज कितना देती है। आप इसकी रेंज की बात करो तो ये आपको देती है एक फुल चार्ज में, जो 6 घंटे का होता है, जिसमें आपको देती है ये एक 0 से लेके 135 किलोमीटर, मतलब 135 किलोमीटर आप गेड़ी मार के आ सकते हो। वही हम नॉर्मल स्कूटर की बात करें, जिसमें एक्टिवा आप कंपेयर करें जो मेरे पास है, तो 1000 रुपये लग जाएगा आपको 135 किलोमीटर कवर करने में। बैटरी की बात करते हैं तो इसकी बैटरी जो है वो अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो अराउंड 6 घंटा लगता है फुल चार्ज होने में, जो 135 किलोमीटर है। और वही आप इनके हाइपर स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लगेगा 0 to 70% सिर्फ आधे घंटे में। और जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता चला है कि वो फ्री है, अब पता नहीं फ्री है नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, आप जाके खुद ही देख सकते हो। तो अभी बात करते हैं हम लोग, जो ये बड़ा सा स्क्रीन आप देख रहे हो, ये एक मोबाइल जैसा वर्क करता है। तो हम अभी इसकी ये फीचर्स की बात करते हैं जिसमें इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ऑन करोगे तो आपको आ जाता है यहाँ पे एक पासवर्ड, जो मोबाइल में आप जैसे डालते हो वैसे ही ये पासवर्ड डाल सकते हो आप। तो मैं फटाफट से डाल देता हूँ, ये ओपन हो चुका है, जो आपको उसके बाद पार्किंग मोड दिखा देगा। हेलो साहेब लिख दिया, मेरे भाई का है तो लिख दिया है। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है, एंड मैं बताता हूँ, देख के बताता हूँ, साउंड सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ब्लूटूथ एंड ऑल सेटिंग्स, बहुत कुछ मिलता है इसमें, राइडिंग बैटरी, पासवर्ड, बहुत कुछ, डॉक्यूमेंट, सबसे बेस्ट इसमें मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट। मतलब आपको अपना पर्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट सेव करने का, जिसमें आ जाता है आपका RC, आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आपका लाइसेंस, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो डाल सकते हो आप इसके अंदर विदाउट टेंशन। एंड इसमें सिस्टम अपडेट, बहुत कुछ, चार्जिंग एंड ऑल सब बता देता है ये डिस्प्ले में। और मुझे पर्सनली ये डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है, एकदम मोबाइल के जैसा वर्क करता है, बट इसमें थोड़ा लैग होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा लैग, बिकॉज हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें, और इसमें फ़र्क आ जाता है। एंड इसमें एक और सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है, बूट स्पेस। जो ये बूट स्पेस है, जो इतना बड़ा सीट दिया है, बहुत कंफर्ट सीट है, जो आप इमरान को पूछ सकते हो, उसको पता ही है। तो इसके अंदर बूट स्पेस दिया है, जो मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ, आ जाओ, और ये अनलॉक हो गया। एंड देख सकते हैं ये है इसका बूट स्पेस, जिसमें आराम से हमारा एक छोटा ट्राइपॉड रखा, जो बहुत कंफर्टेबली आ गया। यूजुअली इसमें 2 हेलमेट आता है, जब आप नया परचेस करते हो ओला के तरफ से आपको 2 हेलमेट दिए जाते हैं, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। तो अभी फिलहाल इसको बंद करते हैं। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ, जस्ट प्रेस करो और ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे दिया हुआ एक एक्स्ट्रा कवर, जिससे पानी ना जाए, तो इसको लगा देते हैं एंड इसको भी ऑन ऑफ कर देते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई ने पहले से बैक जो ये है, अभी मैं ब्रेक दाबूंगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे मेरे भाई ने ब्लैक वो करवा दिया है, उसको जो बोलते हैं ग्राफिक्स और समथिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पे उसने ब्लैक करवा दिया, जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में आपको मिल जाता है एक LED स्क्रीन, जो बहुत पावर जनरेट करता है।
यूजुअली मैं रात में चला चुका, बहुत अच्छा लाइटिंग देता है और आपको एक प्रीमियम सा मिल जाता है एक लाइन में जो है इसका इंडिकेटर, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस पर ब्लैक अगर आप इसमें ग्राफिंग करते हो तो बहुत यूनिक लगता है। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके स्पीकर्स की। यहाँ पे दिया हुआ है स्पीकर जिसके अंदर आप सामान भी रख सकते हो, दो स्पीकर्स है। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं आपने, ये पूरा अंदर दिया हुआ है जो स्टैंड है आपका, ये अंदर है। और ये जो डबल स्टैंड हमने लगाया हुआ है इसके लिए आपको अलग से पैसे भरने पड़ते हैं, जो मेरे भाई ने अलग से इसके ऐप पे भर के ऑर्डर करके लगवाया गया है। डबल स्टैंड इसके साथ नहीं आता। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि टोटली अंदर चला जाता है जो बैक सीट वालों के लिए बैठने के लिए स्टैंड होता है, ये देख सकते हैं टोटली अंदर चला जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कार्बन फाइबर किया हुआ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये स्कूटी ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, भाई के पास रहती है, बट वो बोलता है लेके जा, बट मैं नहीं लेके जाता बिकॉज इसको अगर डैमेज हुआ वो मुझे डैमेज कर देगा, इसीलिए दूर रहो, ये गाड़ियाँ बहुत महंगी है। तो इसका एंड्रॉयड प्राइस मैं बता देता हूँ, मेरे भाई को पड़ी थी जब उसने लिया था 140 अराउंड आया था उसको, बट अभी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी लगाई थी वो हटा दी है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इसकी 160-170 तक इसकी प्राइस चली जा रही है। आप देख सकते हैं अपने नियरेस्ट एरियाज में या लोकेशन पे, न्यू मुंबई में आजकल चल रहा है 160-170। और इसके जो बटन्स है वो यहाँ पे दे देते हैं, नॉर्मली यूज़ हो जाता है ये। यहाँ पे आता है इसका मिरर्स, बट मेरे भाई ने स्टाइल के लिए ये मिरर्स लगाए हुए हैं, वो मिरर्स घर पे, वो मिरर्स बहुत अच्छे प्रीमियम है जो मेरे को यूजुअली अच्छे लगते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी उसकी मर्जी, सुन रहा है तो बुरा मत मान। गाइस अभी हम फटाक से एक राइड मार के आएंगे। इसमें है तीन मोड्स, मैं आपको बता दें इसमें तीन मोड, एक है नॉर्मल, एक स्पोर्ट्स एंड एक है हाइपर मोड। जो नॉर्मल मोड है उसमें अराउंड आप बोल सकते हो 3-4 सेकेंड में चला जाता है, 1-40-50 चला जाता है। जो स्पोर्ट मोड है वहाँ पे 2 सेकेंड में चला जाता है 1-40, और जो हाइपर मोड है वहाँ पे 1 सेकेंड में चला जाता है 1-40। तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बट मैं बोलूँगा आपको उसमें क्या होता है, किलोमीटर्स कम होते हैं। जैसे ही आप नॉर्मल पे आते हो वो 135 किलोमीटर देता है, जैसे ही आप स्पोर्ट्स पे आते हो वो 93 और 94 किलोमीटर देता है, जैसे ही आप आते हो हाइपर मोड पे वो सीधा 70 किलोमीटर उसके नीचे आ जाता है। तो नॉर्मल मोड ही सबसे बेस्ट है हम लोगों के लिए। तो फटाफट से ऑन करता हूँ और एक राइड मारता हूँ, देखिए मैं चलाते वक्त कैसा लगता हूँ। सो गाइस अभी है हम नॉर्मल मोड पे और नॉर्मल मोड पे हम चलाने वाले हैं। हम बता रहे हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो सबसे बेस्ट लगती है मुझे, बहुत अच्छे ब्रेक्स है, एकदम फास्ट रिएक्ट करते हैं। देखा आपने, मैं एकदम ऑलमोस्ट 40 की स्पीड पे था और एकदम 2-3 सेकंड में मैं रुक गया। तो दोनों ब्रेक एक साथ मारो बहुत अच्छे से और कंफर्टेबली, सीटिंग बहुत बड़ी बड़ी और कंफर्टेबली है। तो अभी हम गाड़ी लगाते हैं और फटाक से आपसे और बातें करते हैं। मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ स्टार्ट होता कैसे। जैसे अभी स्टार्ट है, अभी मैंने पार्किंग पे अभी स्टार्ट करने के लिए मुझे रेड बटन और ये ब्रेक, जैसे हम नॉर्मल गाड़ियों में करते, ये हो गया स्टार्ट। ये है अभी नॉर्मल पे, किलोमीटर है 86 किलोमीटर जा सकता है। जैसे ही फिर मैं ये करंट वाला है इसको दबाऊंगा, ये स्पोर्ट पे देख सकते हैं आप ड्रॉप हो गया 77 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर ड्रॉप हो गया। जैसे ही मैं हाइपर मोड पे आता तो देख लो 63 किलोमीटर, मतलब आराम से 20-25-30 किलोमीटर ड्रॉप हो गया। तो यही होता है, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि नॉर्मल मोड पे चलाएं, जिसमें आप आराम से 1-40 की स्पीड पे चलाओगे और बहुत सुकून से चलाओगे। कुछ इस बारे में है, बहुत डिटेल्स वीडियोस है जो हम इन फ्यूचर बताएंगे, इसमें बहुत चीज़ें होंगी जो मैंने कवर नहीं की होंगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस गाड़ी का वीडियो चाहिए, हम उस गाड़ी पे बनाएंगे, बिकॉज ये अपनी है तो हम कभी भी ला के बना सकते हैं वीडियो, भाई की परमिशन लेके बस। तो हम इन फ्यूचर बहुत सारे वीडियोस लाएंगे गाड़ी से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जिसको ये गाड़ी लेने आए। ये मेरा रिव्यू था, लाइक टफेस्ट रिव्यू समझ सकते हो आप लोग,
एकदम नेचुरल रिव्यू, जो मेरे भाई ने चलाया मैंने चलाया तो उसका रिव्यू है, प्रमोशन वीडियो नहीं है। गाड़ी हमको तो इतना जल्दी नहीं मिल रहा, तो आप सब्सक्राइब करो जल्दी, ऐसी गाड़ियाँ भी हमारे पास प्रमोशन के लिए आएगी। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।